दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की एक प्रमुख हॉट सीट धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र लोकसभा, जहां पर कि कुरुक्षेत्र कैथल ये दो बड़े जिले आते हैं, और वो लोकसभा सीट जहां के सांसद जो बने थे 2019 में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की वो सीट जो गठबंधन के तहत, जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, उस पर आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी हुए हैं वो सुशील गुप्ता हैं। सबसे पहले उनका नाम डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह चौटाला मैदान में हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं, उनका दूसरे नंबर पर उन्होंने अपनी घोषणा की थी। और अब हाल ही में जब लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो नवीन जिंदल कैंडिडेट हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र से। तो आप मान लें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए जो प्रमुख प्रत्याशी आने थे उनके नाम सामने आ चुके हैं। आप मान लें तो वहां का चुनाव इस समय पूरी तरह से गतिमान हो चुका है। कल नवीन जिंदल टिकट की घोषणा होने के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे और उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे। और अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं इसके साथ ही कि आखिर कुरुक्षेत्र का रण कैसा होगा, कुरुक्षेत्र लोकसभा में कौन सी पार्टी कैसा करिश्मा कर पाएगी, अभय सिंह चौटाला कितने कारगर होंगे, कितने सटीक रहेंगे अपने मतदाताओं के बूते, नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता में जो वहाँ के खासकर महाजन मतदाता हैं, अग्रवाल मतदाता हैं, उन दोनों में अपनी तरफ खींचने में क्या नवीन जिंदल कामयाब होंगे या फिर सुशील गुप्ता। 2019 के चुनाव के बाद, और मैं ये कहूँ कि 2014 में चुनाव हारने के बाद नवीन जिंदल जो कभी कुरुक्षेत्र की तरफ घूमे नहीं थे, कुरुक्षेत्र का उनका वो निवास जो उन्होंने कि सांसद रहते बना लिया था, जो लंबे समय से धूल फांक रहा था, जिसके दरवाजे नहीं खुले थे 5-6 साल से, अगर उसके अब दरवाजे खुले हैं तो क्या कुरुक्षेत्र की जनता नवीन जिंदल के लिए दरवाजे खोल देगी, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और बड़ा सवाल ये है कि जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम अग्रवाल महाजन मतदाताओं की बात ही कर लें, तो सुशील गुप्ता जो वो भी बाहर से आते हैं, और अग्रवाल समाज के बड़े नेता हैं खुद में, वो अग्रवाल समाज के आप माने तो सुशील गुप्ता का एक बड़ा वहाँ पर इमारत मंदिर बन रहा है, उसके वो प्रधान भी हैं, इसके अलावा कई अग्रवाल संस्थाओं के ट्रस्टी भी हैं। दूसरी तरफ अगर नवीन जिंदल को लें तो वो भी अग्रवाल राजनीति काफ़ी समय से करते हैं। नवीन जिंदल को आप माने कि तो अग्र फाउंडेशन, झंडा फाउंडेशन, इस सब के वो कर्ता धरता भी रहे हैं। और नवीन जिंदल के पिता ओम प्रकाश जिंदल का अग्रवाल बनिया राजनीति के अंदर बहुत बड़ा नाम रहा है। इस स्थिति में सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि क्या बनिया मतदाताओं पर, अग्रवाल मतदाताओं पर, जो कि कुरुक्षेत्र में, क्योंकि जब दोनों पार्टियों ने अग्रवाल नेता को टिकट दिया तो प्रभावित तो हैं, हालांकि अगर वोट के नाम पर देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में लगभग वोट अग्रवाल मतदाता वहां पर हैं, लेकिन क्योंकि दोनों पार्टियों के प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी ये हैं, दोनों प्रमुख गठबंधन यानी कि एनडीए से नवीन जिंदल और इंडिया से सुशील गुप्ता, अगर इन दोनों नामों पर चर्चा करें तो सुशील गुप्ता पर जब से वो हालांकि कुरुक्षेत्र लोकसभा ऐसी है कि वहाँ से ज़्यादातर बाहरी नेता जीतते हैं, लेकिन आपसे बीच में बात इसलिए करनी पड़ी कि तीनों प्रत्याशियों पर चर्चा ये होने लगी है कि लोकल कैंडिडेट तो कोई है नहीं, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से ज़्यादातर बाहरी नेता ही बनते रहे हैं। कुरुक्षेत्र और करनाल ये दो ऐसी सीटें हैं। खैर, अब जब बात आ जाती है कि जो नवीन जिंदल, जो मैंने आपको बताया कि पिछले चुनाव 2014 का हारने के बाद जिनकी कुरुक्षेत्र की जनता से दूरी बनी रही थी, वो कैसे अपने मतदाताओं से तालमेल, अपने समर्थकों से तालमेल बिठाएंगे, बड़ा सवाल तो उनके लिए ये है। और सुशील गुप्ता जिनका कि कुरुक्षेत्र के अंदर कोई कर्म भूमि नहीं रही, वो कैसे यहाँ पर अपना सामंजस्य बिठाएंगे, क्योंकि मूल जिला उनका जींद रहा था, मूल जिला जींद से कारोबार करने के लिए दिल्ली चले गए थे, और दिल्ली से वापस हरियाणा की राजनीति जब करने आए तो उन्होंने कुरुक्षेत्र को तब भी अपनी रणभूमि नहीं बनाया। ये जरूर है कि जो एक लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन में आम आदमी पार्टी को मिली कुरुक्षेत्र की, और कुरुक्षेत्र सीट सुशील गुप्ता को दे दी केजरीवाल साहब ने, ये जरूर है बस सिर्फ। अब इन दोनों मतदाताओं पर, अग्रवाल मतदाता कौन सी पार्टी पर भरोसा करेंगे, एक तो उन पर रहेगा। अब दूसरी बात अगर आएगी तो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर पिछड़े वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में हैं, सैनी मतदाता, इसके साथ साथ कश्यप मतदाता, प्रजापत मतदाता, इनकी बड़ी संख्या है। और पहला चुनाव अब काफ़ी समय बाद ऐसा हो रहा है कि जब कोई प्रमुख
ओबीसी बीसी नेता चुनाव मैदान में नहीं है। आप देखें तो लंबे समय से वहाँ से जो राजनीति करते चले आ रहे थे, कैलाशो सैनी, पवन सैनी, राजकुमार सैनी, नायब सिंह सैनी, ये लोग सांसद बनते रहे वहाँ से। और पिछले तो कई साल आप देख लें, अगर 2004 से और 2014 वाला यानी कि नवीन जिंदल का जो दौर था उसको छोड़ दें, तो उससे पहले लगातार कैलाशो सैनी दो बार सांसद बनी, 2014 में राजकुमार सैनी सांसद बने, 2019 में नायब सिंह सैनी बने, उससे पहले एक बार बलबीर सिंह रहे, उससे पहले सरदार तारा सिंह रहे, तमाम बड़े नाम चलते रहेंगे। लेकिन अब पहला चुनाव ऐसा है कि जिसके अंदर कोई सैनी नेता चुनाव ही नहीं लड़ रहा, उस स्थिति में ओबीसी जो मतदाता है खासकर अति पिछड़े, वो किस तरफ रुख करेंगे? कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख के आसपास रोड मतदाता हैं जो शिवाजी से प्रेरित हैं, और अभय सिंह चौटाला ने यहाँ चुनाव लड़ते हुए एक करनाल को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया कि मराठा वीरेंद्र वर्मा का समर्थन करेंगे, और मराठा वीरेंद्र वर्मा से बहुत प्रभावित है रोड मतदाता। तो रोड मतदाता क्या अभय सिंह चौटाला की तरफ प्रभावित हो सकते हैं? अब अगर अभय सिंह चौटाला की चुनावी आप समझ के चलें, तो आप यूं मान लें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा जीतने के लिए या कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए जो इनेलो नेताओं का चौटाला परिवार का क्या मन रहा है, आप उसे यूं समझें कि खुद अभय सिंह चौटाला 2004 में यहां से चुनाव लड़ चुके हैं इनेलो की टिकट पर, लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट लेकर के इन्हीं नवीन जिंदल से चुनाव हारे थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। और उसके बाद में 2019 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 के चुनाव में अशोक अरोड़ा यहां से कैंडिडेट थे जो उस समय इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभय सिंह चौटाला के बहुत खासम खास, आजकल तो वो कांग्रेस में है बहुत लंबे समय से। और अब अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर रुख किया है 2024 के लिए। अभय सिंह चौटाला के 2024 के लिए कुरुक्षेत्र में आने के बाद एक घोषणा उनके भतीजे की भी हो चुकी है, दिग्विजय चौटाला की भी, हालांकि दिग्विजय चौटाला के लिए कहा यह जा रहा है कि उनका कोई प्रभाव ज़्यादा वहाँ रहने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि चौटाला परिवार से ही हैं, जाट नेता दिग्विजय चौटाला भी हैं और वो भी दम ठोक रहे हैं, तो बड़ी बात यह भी आएगी कि अभय सिंह चौटाला के वोटों में कितनी डेंट दे पाएंगे वो। क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर अलायंस इंडियन नेशनल लोकदल का हो जाता है, तो फिर क्या जो दलित मतदाता हैं वो भी अभय सिंह चौटाला के साथ जा सकता है? अकाली दल बादल का गठबंधन पंजाब में बीजेपी से हुआ नहीं, और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जट सिख और सिख दोनों मतदाता गिने तो 2 लाख के आसपास हैं, वो मतदाता किस तरफ रुख करेंगे? क्या अकाली दल बादल से जुड़े हुए सिख मतदाता और जट सिख खासकर किसान आंदोलन को लेकर के अभय सिंह चौटाला की फॉलोइंग तो जरूर उनमें कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला वो नेता है जिन्होंने कि अपना विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। जाट मतदाता लगभग 4 लाख के आसपास कुरुक्षेत्र में है, 4 लाख से ज़्यादा बताए जाते हैं। जाट मतदाताओं के बड़े चेहरे के रूप में अभय सिंह चौटाला खुद हैं, हालांकि दिग्विजय में फिर दोहरा रहा हूँ कि दिग्विजय चौटाला भी हैं, वो कितनी काट करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उनको अभय सिंह चौटाला को और किन्हीं जाट नेताओं का भी सहयोग मिल सकता है इंटरनल या एक्सटर्नल, या फिर जाट मतदाता कहीं, क्योंकि बीजेपी की तरफ जाने की संभावना तो कोई जाट मतदाताओं की पूरे हरियाणा में है नहीं, क्या जाट मतदाता अभय सिंह चौटाला को एक तरफा होकर वोट दे सकते हैं या उनमें बंटवारा हो सकता है? कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर के कई बड़े सवाल हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर के अब माना तो ये जा रहा है कि मुकाबला वहां तिकोना है, लेकिन ये तिकोना मुकाबला रहेगा और या फिर आने वाले समय में ये इलेक्शन नवीन जिंदल वर्सेज अभय सिंह चौटाला भी हो सकता है, या नवीन जिंदल वर्सेज सुशील गुप्ता भी हो सकता है। हालांकि वहाँ के राजनीतिक सूत्र तो अभी से ये कहने लगे हैं कि जब से नवीन जिंदल की दावेदारी हुई है और जब से अभय सिंह चौटाला सामने आए हैं, तो ये चर्चा चलने लगी है कि अभय सिंह चौटाला और नवीन जिंदल के बीच आमने सामने का मुकाबला हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या हो सकता है? अभय सिंह चौटाला कितने प्रभावी रहेंगे? नवीन जिंदल जो जनता से कटे हुए थे, क्या जनता को मना पाएंगे? और सुशील गुप्ता क्या अपने साथ लोगों को जोड़ पाएंगे? और सबसे प्रमुख सवाल कि कुरुक्षेत्र लोकसभा जहां से कि नायब सिंह सैनी थे, वहां पर नायब सिंह सैनी भी अपना कुछ करिश्मा कर पाएंगे पिछड़े वोटों के लिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।